हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड एंड मैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो पास्ट में गाइस, आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, आपको इग्नोर किया। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई तीसरा भी आया है, कोई थर्ड पार्टी आई आपके रिश्ते में और आपके पर्सन की तरफ से आई, ये भी हो सकता है। और ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली, उनके कोई फ्रेंड, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, या कोई सिचुएशन हो सकती है। तो इस वजह से आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू किया, आपसे दूर भागने लगे। आपके सवालों का जवाब देना वो ज़रूरी नहीं समझते थे, आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई करना भी वो ज़रूरी नहीं समझते थे। आपकी तरफ उनका इंटरेस्ट ही कम हो गया था, क्योंकि उनका सारा इंटरेस्ट था थर्ड पार्टी में, या फिर वो अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ये भी हो सकता है, या अपने करियर पर वो फोकस कर रहे थे उस समय, इस वजह से आपसे दूरी बना रहे थे। फिर टोटली आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन भी किया, फिर नो कॉन्टैक्ट भी अब चल रहा है। आपने अपने पर्सन को समझाने की भी कोशिश की, रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ आपने कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से कोई प्रयास किया नहीं गया, ना ही वो आपकी बातें सुनने को तैयार थे, क्योंकि उनका सारा ध्यान उस समय खुद पर था और उस थर्ड पार्टी, अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी पर था, ये वाली बात है। तो आपके पर्सन ने आपसे दूर हो जाना ही सही समझा और वैसा उन्होंने किया भी। आपको हर्ट किया, आपको चीट किया, आपको परेशान किया और आपसे दूर भी हो गए, लेकिन आपके बारे में बिल्कुल भी आपके पर्सन ने नहीं सोचा कि उनके बिना आप किस हाल में रहोगे। ठीक है, आप कोशिश करते रह गए, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे अलग हो जाने का फैसला कर ही लिया था। और अभी की एनर्जी ऐसी है गाइस आपके पर्सन की कि वो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ रिश्ता दोबारा से ठीक करना चाहते हैं। इस एनर्जी में भी आपके पर्सन दिखाई देते हैं। किसी भी तरह अब वो आपको मनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। जब आपने उनसे कांटेक्ट ही ख़त्म कर दिया, खुद को बिल्कुल उनसे अलग ही कर लिया, जब आपने अपने पर्सन का बिहेवियर देखा तो आपको भी यही लगा कि उनसे अलग हो जाना ही सही है, क्योंकि वो उनका ध्यान आपकी तरफ तो था नहीं। और जब अब आप उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करते, उनसे कोई आप मतलब याद तो बहुत करते हो, मिस तो बहुत ज़्यादा आप भी करते हो, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हो कि इस रिश्ते का क्या होगा आगे, इस रिश्ते का फ्यूचर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है, लेकिन आप उनको ऐसा दिखाते नहीं हो कि आप परेशान हो या उनके लिए आप तड़प रहे हो, ये आप दिखाना नहीं चाहते अपने पर्सन को। तो अब आपके पर्सन को समझ में आता है कि आपने उनकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया, तो शायद आपकी लाइफ में कोई और आगे होगा, ये लगता है आपके पर्सन को। या आपने टोटली मूव ऑन तो नहीं कर लिया, ये भी आपके पर्सन सोचते हैं। तो अब आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आपके साथ रीयूनाइट हुआ जाए, आपके साथ रिश्ता सुधारा जाए, आपको मनाया जाए। आपने अपने पर्सन की परवाह करना बंद किया है गाइस, तो अब आपके पर्सन आपकी परवाह कर रहे हैं, इसी वजह से आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। आपकी वैल्यू अब उनको समझ में आ रही है कि आप क्या हो, आपने कितना कुछ उनके लिए किया है, ये सारी बातें अब आपके पर्सन को समझ में आ रही है, क्योंकि उस समय तो आपके पर्सन का ध्यान खुद की ही तरफ था, आपकी तरफ तो था नहीं। इस वजह से उन्हें लगता था कि आपसे अलग होंगे भी तो आपसे अच्छे लोग उन्हें मिल जाएंगे, और थर्ड पार्टी अगर आपके रिश्ते में रही तो वही आपको, आपके पर्सन को वही सही लगती थी, उनके सामने आपकी वैल्यू थी ही नहीं। लेकिन अब आपके पर्सन आपकी वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि आपने अब उनकी परवाह करना ही छोड़ दिया है, अब बताना ही बंद कर दिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आप उन्हें कितना याद करते हो, ये आपने बताना ही अब उन्हें बंद कर दिया। तो अब आपके पर्सन आपको याद करते हैं, वो चाहते हैं आपसे बात करना। आपने उम्मीद ख़त्म कर दी थी गाइस कि अब कभी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, लेकिन ऐसा होने वाला है, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना अब चाहते हैं और वो बढ़ेंगे भी। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी कि धोखा देने वाले को आप दोबारा मौका मत दो तो अच्छा है। अगर आपको समझ में आता है कि आपका पर्सन आपके साथ लॉयल था, किसी मजबूरी में अलग हुआ और वापस आता है, तो वो वाली बात अलग है। लेकिन अगर आपका पर्सन आपको चीट करके गया है और आप उसको फिर से दोबारा मौका दोगे तो वो आपको बाद में फिर चीट करेगा, ये भी बात आप समझ लो। इसलिए सोच समझ कर आपको फैसला करने की ज़रूरत है। आपका पर्सन तो आपकी तरफ बढ़ने वाला है, लेकिन आपको भी तो सोचने समझने की ज़रूरत है। एक बार हर्ट हो गए, बार बार थोड़ी ना हर्ट होंगे, कितना हम परेशान होकर जिएंगे, एक तो लाइफ मिली है हमको,
उसको भी हम परेशान होकर थोड़ी ना गंवा देंगे किसी और के लिए। तो अगर आपका पर्सन आपके साथ लॉयल था, आपको समझ में आती है ये बात, तो आप उसको मौका दोगे तो कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको उसने चीट किया और चले गए आपको छोड़कर, आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अब अपनी ज़रूरत की वजह से शायद वह इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता हो, उसका कोई ना कोई स्वार्थ हो, ये भी तो हो सकता है। तो अगर वो आपको धोखा देकर गया था तो आप सोच समझ कर फैसला लोगे तो वो सही रहेगा। और देखिए, आप दोनों के बीच कोई ना कोई तीसरा इंसान भी आया है जिसने आपके पर्सन को अपनी तरफ करने की कोशिश भी की है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का ब्रेन वॉश उसने किया, आपके खिलाफ भड़काया भी है, क्योंकि उस पर्सन को भी आपके पर्सन से फ़ायदा मिलना था और आपके पर्सन को उस पर्सन से कोई ना कोई फ़ायदा दिख रहा था, जिसकी वजह से आपके पर्सन भी उनकी बातों को सुनते थे और उस इंसान ने जो चाहा था उसने वो किया, आप दोनों को अलग किया है, आपके पर्सन को अपनी तरफ कर लिया और आपके पर्सन भी उनकी बातों में आ गए क्योंकि उन्हें वहाँ पर फ़ायदा नज़र आता था। तो आपके रिश्ते में कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी है गाइस, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ, और इस थर्ड पार्टी की बातों में ही आकर आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। और बहुत से लोगों के साथ ये भी हुआ होगा गाइस कि आपके आर्ग्यूमेंट तो हुए ही उस पर्सन से, उस थर्ड पार्टी की वजह से, है ना। आपने अपने पर्सन से सवाल किए, उन्होंने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, अब आर्ग्यूमेंट तो होने ही थे क्योंकि गलती तो आपके पर्सन ने की थी और सच्चाई वो आपको बताना नहीं चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में कोई और भी आ गया है, इस वजह से वो आपसे दूर भाग रहे हैं। और यहाँ तक ये भी हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ने आप लोगों को ब्लॉक भी किया हो, क्योंकि उनको तो यही था ना, उनको आपसे मतलब रखना ही नहीं था तब। ये अब ये चीटिंग नहीं है तो क्या है, आप बताइए। आपके होते हुए किसी और को अपने आप दोनों के बीच ले आए, अपना रिश्ता खुद ही ख़राब किया है, है ना, जबकि वो खुद आपकी तरफ बढ़े थे क्योंकि उन्हें उस समय ये था कि आपके लिए फिजिकली अट्रैक्टिव भी थे और आपके लिए उनको प्यार भी फील होता था। ठीक है, आपकी आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे उस समय, वो भी फिजिकली, प्यार भी था लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा था जब वो आपकी तरफ बढ़े थे। लेकिन थर्ड पार्टी जब उनकी लाइफ में आई तो उनका इंटरेस्ट उन पर बढ़ गया, हो सकता है फिजिकली उनसे भी वो अट्रैक्ट हुए होंगे। कुछ के पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से भी थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं और कुछ के पर्सन पैसों की लालच की वजह से बढ़े हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन को कोई ना कोई फ़ायदा उस थर्ड पार्टी से था, इस वजह से वो उनकी बातों को सुनते भी और उन्हीं की तरफ वो हो गए, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो बहुत कुछ हुआ है, आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन वही बात है कि अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं वो, क्योंकि थर्ड पार्टी से भी हो सकता है आपके पर्सन को धोखा मिला है। कोई ना कोई चीटिंग तो थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के साथ कर रही है, जैसे उन्होंने आपके साथ किया था थर्ड पार्टी अब उनके साथ वैसा कर रही है, जिसकी वजह से ही आपके पर्सन का ध्यान अब आपकी तरफ है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं और आपका प्यार अब उन्हें याद आ रहा है। तो आपका रियूनियन तो होगा गाइस, लेकिन वही आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले सोच लेना है तब फिर फैसला कीजिए, किसी की बातों में आ जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पास्ट में तो ऐसा हुआ है, आपने भरोसा किया और आपका भरोसा टूटा है। तो इस बार आपके पर्सन जब आपसे कांटेक्ट करते हैं या आपसे वो मिलने के लिए भी आते हैं तो आपको सोच समझ कर फैसला लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप भी गाइस पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद पर फोकस कीजिए, सेल्फ लव सीख लीजिए, अपने पर्सन को अगर अपनी लाइफ में दोबारा चाहते हैं तो उन्हें हीलिंग सेंड कीजिए, उन्हें लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, उसकी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। और आप भी मेडिटेशन कीजिए क्योंकि आप भी स्ट्रेस में दिखाई देते हैं, तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।